हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्टर टैक। गाइस, काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास यहां पर आए कि सर विंडोज़ 10 की ISO इमेज हम कैसे डाउनलोड करें। तो यहां पर आज जस्ट मैं एक सिंपल तरीका आपको जेन्युइन विंडोज़ डाउनलोड करने का यहां पर बताने वाला हूं। इसको आप फॉलो करेंगे और आप ISO इमेज आप बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको ज़रूरत है एक अच्छे स्पीड की इंटरनेट की। तो चलिए देखते हैं कैसे डाउनलोड करेंगे विंडोज़ 10 की ISO इमेज। इसके लिए जस्ट आपको जाना है गूगल पर, और गूगल पर जाने के बाद जस्ट आपको टाइप करना है डाउनलोड विंडोज 10 ISO। ठीक है, जस्ट इसको लिखकर आप सर्च करेंगे और आपके पास जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी वो जेन्युइन वेबसाइट आएगी Microsoft.com की। आपको इसी को ओपन करना है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा और किसी भी तरह का वायरस का आपको खतरा नहीं रहेगा। तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा विंडोज़ 10 नवंबर 2019 अपडेट, और दूसरा ऑप्शन आएगा क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। आपको इस क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया पे क्लिक करना है और डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते ही आपके पास एक मीडिया क्रिएशन टूल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। लगभग 20 MB का, 18.4 MB का टूल है। इसको आपको रन करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करके हम इसको रन कर लेंगे, या फिर आप इसको फाइंड आउट करके कहाँ पर डाउनलोड हुआ है फिर आप रन करेंगे। यस और नो का आपसे ऑप्शन पूछेगा, आप यस पे क्लिक करके आप इस टूल को रन करेंगे। अब इस टूल को रन करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी। बताते हैं आपको क्या विंडो ओपन होगी। आप देख सकते हैं विंडोज 10 सेटअप की विंडो यहाँ पर ओपन हुई है, और गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी का यहाँ पर आपके पास कैप्शन है वो लिखा आ रहा है, और कुछ प्रोसेसिंग यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो इस प्रोसेसिंग के चलने के बाद यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन आएगा वो आपको फॉलो करना है। देखते हैं क्या ऑप्शन हमारे पास आता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहा है, कुछ डिक्लेरेशन आ रहा है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है। एप्लीकेबल नोटिसेस एंड लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर आ रही है, जस्ट आपको इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद वापस से कुछ प्रोसेसिंग होगी, और वापस आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनको आपको सेलेक्ट करना है। देखते हैं क्या ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू, अपग्रेड दिस पीसी नाउ, और दूसरा ऑप्शन आपके पास आ रहा है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश ड्राइव डीवीडी और आईएसओ फाइल फॉर अनदर पीसी। ओके, तो यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, हमें इस पीसी को अपग्रेड नहीं करना है। जस्ट हम सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, लैंग्वेज एडिशन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, यहाँ पे जो डिफॉल्ट सेटिंग सेलेक्ट है, डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट है, US, एडिशन यहाँ पे विंडोज 10, आर्किटेक्चर 64 बिट। ठीक है, अगर आपको 32 बिट डाउनलोड करना है तो जस्ट आप इसको अनचेक करेंगे रिकमेंड ऑप्शन को, और यहाँ से आप 32 बिट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको वापस से 64 बिट कर सकते हैं, या फिर आप बोथ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिफॉल्ट ही रहने देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास वापस से दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऊपर हेडिंग आ रही है चूज विच मीडिया टू यूज। तो यहाँ पर आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है USB फ्लैश ड्राइव, और दूसरा ऑप्शन आ रहा है ISO फाइल। तो आप ISO फाइल में क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए आपको ISO फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यू विल नीड टू बर्न द ISO फाइल टू अ DVD लेटर, यानी कि ये ऑप्शन हमें ISO फाइल क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कहाँ पर हम इस ISO फाइल को सेव करेंगे, डेस्कटॉप पर सेव करना है। जस्ट इसको आप विंडोज 10 का नाम दे दीजिए और सेव कर दीजिए, और यहाँ पर आपकी जो ISO फाइल है वो आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग विंडोज 10 प्रोग्रेस 0%, और यहाँ पर हमारी जो ISO फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। ये प्रोसेस आपका पूरा 100% तक चलेगा। उसके बाद आपकी जो ISO फाइल है वो डेस्कटॉप पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। कैसे आएगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इस प्रोसेस को मैं फास्ट कर देता हूँ, इस पूरी जो फाइल है इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, ओपन अ DVD बर्नर, और आपके पास एड्रेस आ जाएगा ISO फाइल कहाँ पर सेव होगी। जस्ट आप फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद जैसे आप विंडो क्लोज करेंगे,
तो क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास डेस्कटॉप पर आपकी जो ISO फाइल है वो विंडोज 10 की यहाँ पर आ गई है। अब आप इसको पेन ड्राइव में बूट कर सकते हैं या फिर आप इसको DVD में बर्न कर सकते हैं एक्सेट्रा, जिस भी पर्पज से आप यूज़ करना चाहें। इसको आप किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं इसका जो तरीका है वो इस आई बटन में आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा किस तरीके से आप इसको फर्दर एक्टिवेट कर सकते हैं अपने विंडोज़ को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल पाए हर वीडियो का। देखते रहिए बस ट्रेड टैग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।